एक बेंग था, मेढक, लोग कहते थे कि वो बेंग रहे, तो बेंगवा कुदैत कुदैत गेल आ कुआं में गिर गेल। जब कुआं में गिर गेल तो चूंकि मेढक बाहर है तो उसको पूरी आजादी है, लेकिन कुआं में तो चले जाने के बाद उसको निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कुआं में ट्रैप्ड है। लेकिन जब लोगों ने कहा कि जा बेंगवा तो कुआं में गिर गेल, बेंगवा तो कुआं में गिर गेल, तो वह बेंग जो था वह कहता है कि हाँ हाँ हम तो गंगा निहाई ले, हम तो गंगा निहाई ले। आप जरा सोचिए क्या यही स्थिति नहीं है यहाँ। फिर अगली घटना बताती थी लोग कि एक पानी भरने के लिए महिला आती है, पानी भरने के लिए पन भरनी आई, बाल्टी से पानी भरी। जब पानी भरी तो उस मेढक को देखी कुआं में फंसे हुए, तो उसको बाल्टी में लेकर के बाहर निकाल कर फेंक दी। जब बाहर फेंकी तो बाहर में धूल थी, काफ़ी मिट्टी थी, धूल थी, उस धूल में मेढक जो है सड़ गया। तो लोगों ने कहा कि जा बेंगवा तो माटी में लौटाई थे, जा बेंगवा तो धूरा में लौटाई थे। तो मेढक ने कहा कि हाँ हाँ हम तो पाउडर लगवे ले, हम तो स्नो लगवे ले। मेरे हर बात पर गौर करते जाइएगा। थोड़ी ही देर में उधर से एक हाथी आया, और हाथी जब आया तो क्या किया कि उस मेढक के शरीर पर पैर रख दिया और उसको कुचल दिया। जब पैर कुचल दिया, पैर से जब कुचल दिया, तो आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या हो गई होगी। तो वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। लोगों ने कहा कि जा बेंगवा के ता हाथी कूच दिले, जा बेंगवा के ता हाथी मसल दिले, ये तो पैर से जांच दिले। तो मेढक ने कहा कि हाँ हाँ हम तो देह जतवैले, हम तो देह जतवैले। थोड़ी ही देर के बाद में कौवा आया, तो कौवा ने देखा कि बहुत बुरी तरह हालत में मेढक है, उसको लगा कि ये मेरा भोजन है। वह मेढक को अपने चोंच में उठा करके और उड़ गया कि ले जाकर उसको खा जाएंगे। जब मेढक को लेकर के कौवा उड़ गया तो लोगों ने कहा कि जा बेंगवा के तो कौवा ले ले जाई थे, जा बेंगवा के तो कौवा ले ले जाई थे। तो कहता है मेढक कि हाँ हाँ हम तो ससुराल जाई ले, हम तो ससुराल जाई ले। मेरे भाइयों, बिहार में क्या ऐसी स्थिति नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूँ आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार से के पाठक की जल्द ही छुट्टी होने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं अपर मुख्य सचिव से। यानी के पाठक जो है आज दिल्ली रवाना होने वाले हैं, और ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आया है कि 3 जून से 30 जून तक वो अर्न लीव ले रहे हैं, यानी छुट्टी पर रहेंगे। तो इसे लेकर के बिहार की सियासत भी काफ़ी ज़्यादा चरम पर आ गई थी, और के पाठक के आदेशों को लेकर के हर किसी नेता के मुंह से के पाठक का नाम जरूर आता था। पीएम मोदी पर हमलावर रहते थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, चिराग पासवान जो हैं वो तेजस्वी यादव पर भी हमलावर रहते थे। लेकिन इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से के पाठक पर सभी लोग बयान देने पर विवश हो गए। आखिर के पाठक ने ऐसा काम ही किया था जिस पर कि सभी नेता को बोलना पड़ गया, और आखिरकार सीएम नीतीश ने यह फैसला किया और नाराजगी दिखाई दी साफ साफ, और के पाठक को दिल्ली भेजा जा रहा है। यानी सीएम नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही थी, जिसको लेकर के सीएम नीतीश काफ़ी ज़्यादा नाराज भी दिखाई दिए, क्योंकि उनके आदेश को के पाठक मान नहीं रहे थे। ये दूसरी बार था जब नीतीश कुमार ने आदेश दिया स्कूलों को बंद करने के लिए, और के पाठक ने उसी आदेश में संशोधन कर दिया और शिक्षकों को स्कूल बुलाने लगे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने के पाठक को दिल्ली भेजने का फैसला किया है। लेकिन इस बीच शिक्षक नेता जो है वो लगातार बयान दे रहे थे और उनके बयान भी वायरल हो रहे थे। इसी बीच जो है बंसीधर बिजवासी, वो भी शिक्षक नेता है, उनका भी बयान वायरल हो गया। बयान वायरल ये हुआ कि वो बता रहे थे कि के पाठक नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई जो रहस्य है नीतीश कुमार का वो जान गए हैं के पाठक, और इसी वजह से जो है उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, बस इतना बोलना था। उसके बाद ही जो है के पाठक को दिल्ली भेजा जा रहा है, यानी नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, 7वें चरण का चुनाव होना है, 1 जून को मतदान है, जिसके पहले जो है शिक्षक नेता बंसीधर बिजवासी को बर्खास्त कर दिया गया है, और बर्खास्त करने के बाद उनका गुस्सा भी फूट पड़ा है,
और उन्होंने मेंढक की एक कहानी भी सुनाई है और कहा है कि शिक्षकों से जो ईर्ष्या रखते हैं, जो जलन की भावना रखते हैं, उनके लिए ये मेंढक की कहानी है। मेंढक की कहानी में वो सुनाते हैं कि किस तरीके से मेंढक जब कुएं में गिर जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे कुएं में मेंढक गिर गया, तो मेंढक कहता है कि गंगा स्नान में कर लिया। उसके बाद जो है मेंढक को जब बाहर निकाल करके फेंक दिया जाता है कुएं से मिट्टी में, तो मेंढक कहता है कि मैंने पाउडर लगा लिया। और उसके बाद एक हाथी वहां से आता है और उसे कुचल देता है मेंढक को, तो उसने कहा कि मैंने अपने शरीर को जतवाया है यानी दबवाया है। और उसके बाद कौआ जब उसे अपने लोल में उठा करके यानी चोंच में लेकर के उड़ जाता है तो मेंढक कहता है कि हम ससुराल जा रहे हैं। तो यही कहानी जो है शिक्षक नेता बंसीधर बिजवासी सुना रहे थे और के पाठक पर भी गरम दिखाई दे रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और किस अंदाज में उन्होंने ये कहानी भी सुनाई है। आज विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई। विद्यालय में शिक्षक पहुंचे, बच्चे नहीं आए, शिक्षक पहुंचे बच्चे आए नहीं आए, इस पर आप सभी लोग स्वयं निर्णय ले सकते हैं। लेकिन एक बात जरा सोचिए कि क्या हो रहा है। अप्रैल के महीने में जिस समय गर्मी कम थी तो गर्मी की छुट्टी कर दी गई, और जब आज भीषण गर्मी है तो उस समय बच्चों को जो छुट्टी दी जानी चाहिए थी वह छुट्टी चूंकि पहले ही समाप्त है तो ऐसे समय में स्कूल खोलने का आदेश था। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और फिर से छुट्टी कर दी गई, तो यह तो दोहरी छुट्टी हो गई बच्चों की। जिन बच्चों को गर्मी की छुट्टी एक बार मिलती थी उनको अब दोहरी छुट्टी का छुट्टी मिल रही है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हे अभिभावकों, हे बिहार के कर्णधारों, आप जरा सोचिए ये क्या हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को रात में जो सोने का समय है उसमें जगने के लिए कह दिया जाए और जगने के समय में सोने के लिए कह दिया जाए तो आप इसको क्या कहेंगे। जिस समय कम गर्मी पड़ रही थी, प्रत्येक वर्ष अब तक का जो इतिहास है, 1 अप्रैल से स्कूलों में मॉर्निंग स्कूल चलाया जाता था, तो मॉर्निंग के समय में बच्चे पढ़ाई करते थे, तो बच्चे पढ़ रहे थे, तो बच्चों की उस समय जो पढ़ाई हो सकती थी वह पढ़ाई नहीं हुई। और अब जब भीषण गर्मी पड़ रही है तो इस समय अब गर्मी के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्या यह शिक्षा का विकास है? क्या इसे छात्र हित हो रहा है? क्या इससे बच्चों को लाभ मिल रहा है? क्या इसी प्रकार से बिहार के बच्चों को आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने जा रहे हैं? यह जो बिहार में प्रयोग किया जा रहा है और शिक्षा के नाम पर जिस तरह से इस तरह का एक नया प्रचलन शुरू किया जा रहा है, यह हतप्रभ करने वाला है और यह चिंतनीय है। सोचिए यह बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित की जा रही है। पढ़ सकता था तो पढ़ने नहीं दिए, जब नहीं पढ़ सकता था तो पढ़ने के लिए कह दिए, क्या हो रहा है। खैर, इसकी चिंता वही करेंगे जिसको शिक्षा की समझ होगी। जिनको शिक्षा की समझ नहीं है वो केवल इतना ही में खुश हैं, खुश होते रहिए कि शिक्षक परेशान है। कल भी बांका में एक शिक्षिका मर गई रोड एक्सीडेंट में, आज भी कई जगह शिक्षिकाएं बेहोश हुई हैं। क्योंकि हम लोग की यह आदत हो गई है कि जब तक पड़ोसी का घर जल रहा है तब तक यही कहेंगे कि पड़ोसी का घर जल रहा है, मुझे क्या मतलब है, और जब अपने घर में आग लगेगी तो पड़ोसी को हम खोजेंगे कि हमारा पड़ोसी कहाँ है। मेरे साथियों, परसों लोकसभा का चुनाव भी है, ये जो कुछ भी हो रहा है और बिहार में कुछ लोग जो शिक्षकों की प्रताड़ना से खुश हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, केवल इतना ही से खुश हैं कि भले ही ये शिक्षक परेशान हो रहे हैं, ये शिक्षक परेशान है इसी में उनकी खुशी है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक कहावत एक कहानी में सुनाना चाहता हूँ। हम लोग जब बचपन में थे तो एक क्षेत्रीय कहानी हम लोग के जो उस समय दादी और नानी के उम्र की जो थी वो महिलाएं इस तरह की कहानी सुनाती थी। तो उस कहानी में कहती थी हमारे बज्जिका की भाषा में कि एक बेंग था मेढक, लोग कहते थे कि वो बेंग रहे, तो
तो बेंगवा कुदैत कुदैत गेल आ कुआं में गिर गेल। जब कुआं में गिर गेल तो चूंकि मेढक बाहर है तो उसको पूरी आजादी है, लेकिन कुआं में तो चले जाने के बाद उसको निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कुआं में ट्रैप्ड है। लेकिन जब लोगों ने कहा कि जा बेंगवा तो कुआं में गिर गेल, बेंगवा तो कुआं में गिर गेल, तो वह बेंग जो था वह कहता है कि हाँ हाँ हम तो गंगा निहाई ले, हम तो गंगा निहाई ले। आप जरा सोचिए क्या यही स्थिति नहीं है यहाँ। फिर अगली घटना बताती थी लोग कि एक पानी भरने के लिए महिला आती है, पानी भरने के लिए पन भरनी आई, बाल्टी से पानी भरी। जब पानी भरी तो उस मेढक को देखी कुआं में फंसे हुए, तो उसको बाल्टी में लेकर के बाहर निकाल कर फेंक दी। जब बाहर फेंकी तो बाहर में धूल थी, काफ़ी मिट्टी थी, धूल थी। उस धूल में मेढक जो है सड़ गया, तो लोगों ने कहा कि जा बेंगवा तो माटी में लौटाइत है, जा बेंगवा तो धूरा में लौटाइत है। तो मेढक ने कहा कि हाँ हाँ हम तो पाउडर लगवा ले, हम तो स्नो लगवा ले। मेरे हर बात पर गौर करते जाइएगा। थोड़ी ही देर में उधर से एक हाथी आया, और हाथी जब आया तो क्या किया कि उस मेढक के शरीर पर पैर रख दिया और उसको कुचल दिया। जब पैर कुचल दिया, पैर से जब कुचल दिया, तो आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या हो गई होगी। तो वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। लोगों ने कहा कि जा बेंगवा के तह हाथी कुच दे ले, जा बेंगवा के तह हाथी मसल दे ले, ये तो पैर से जांच दे ले। तो मेढक ने कहा कि हाँ हाँ हम तो देह जतवा ले, हम तो देह जतवा ले। थोड़ी ही देर के बाद में कौवा आया, तो कौवा ने देखा कि बहुत बुरी तरह हालत में मेढक है, उसको लगा कि ये मेरा भोजन है। वह मेढक को अपने चोंच में उठा करके और उड़ गया कि ले जाकर उसको खा जाएंगे। जब मेढक को लेकर के कौवा उड़ गया तो लोगों ने कहा कि जा बेंगवा के तो कौवा ले ले जाइत है, जा बेंगवा के तो कौवा ले ले जाइत है। तो कहता है मेढक कि हाँ हाँ हम तो ससुराल जाइले, हम तो ससुराल जाइले। मेरे भाइयों, बिहार में क्या ऐसी स्थिति नहीं है? जब आप कुआं में फंसे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम गंगा नहा रहे हैं, जब आप मिट्टी में फेंक दिए गए हैं तो आप कह रहे हैं कि हम पाउडर लगा रहे हैं, और जब हाथी आपको कुचल दिया, पैरों से मसल दिया, तब आप कह रहे हैं कि हम देह जतवा रहे हैं, और जब आपको अपना ग्रास बनाने के लिए कौवा उठाकर उड़ गया तो उसमें आप कह रहे हैं कि हम ससुराल जा रहे हैं। यही स्थिति बिहार की हो गई है। लोग कुआं में फंसे हैं, लोग पैरों तले रौंदे जा रहे हैं, लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, और आप जैक सैक मना रहे हैं। धन्य हैं आप लोग, और धन्य है आपकी सोच। हमारी अगर भावना आप तक पहुंची हो तो 1 तारीख को लोकतंत्र में 5 साल तक आपके पास कोई अधिकार नहीं है। 1 तारीख को आप जब जाएं मतदान केंद्रों पर तो मेरे इस बात को जरा सा जेहन में लाएं, और बिहार में जिस तरह से गांव गरीब के बच्चे कालकवलित हो रहे हैं, जिस प्रकार से शिक्षक सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, जिस तरह से पढ़ने के समय को बर्बाद कर दिया गया और आराम करने के समय में विद्यालयों को खोल दिया गया, जिस तरीके से बिहार में ये घोटालों पर घोटाले होते रहे, इन तमाम चीज़ों पर एक बार आप विचार करिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही है वह क्यों हो रही है। आप हमारे भावना से निश्चित रूप से जुड़ पाएंगे, और मैं समझता हूँ कि उस दिन आप बिहार की तरक्की के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए और राष्ट्र निर्माताओं की रक्षा के लिए, देश के भविष्य के लिए आप बेहतर निर्णय मतदान के माध्यम से ले सकते हैं। यह हम आपसे अपील करने के लिए आपके साथ आज जुड़े हुए हैं। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः आग्रह है कि आप सभी लोग थोड़ा संवेदनशील बनिए, ईर्ष्या द्वेष की जलन में मत जलिए। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है, इधर देखता हूँ करुणा से मानवता का मेल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना ये मेढक की कहानी,
मेढक की कहानी कहकर वो शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। शिक्षक नेता वो तो बर्खास्त तो हो ही गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आदेश के पाठक निकाल रहे थे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी दिखाई दे रहे थे बंसीधर ब्रिजवासी। और ठीक जो है आज जो है ये फैसला लिया गया है कि के पाठक छुट्टी पर जा रहे हैं 30 जून तक, तो मामले को ठंडा किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी बनी हुई थी, अभी 1 तारीख को चुनाव भी होना है और 4 जून को रिजल्ट भी सामने होंगे, परिणाम भी। इसे लेकर के नीतीश कुमार ने ये बड़ा निर्णय लिया और के पाठक को दिल्ली भेज रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।